रात साड़ी रात चूड़ी छन छन तीज आयो साथी संगे नाचन थाली छन छन आयो तीजै को लहरा आयो तीजै को लहरा आयो तीजै को लहरा आयो तीजै को लहरा हैप्पी तीज एवरीवन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है हरतालिका तीज। तसब बन्दा पहिला, मेरो सबै नेपाली र गोर्खाली दिदी बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट हरतालिका तीजको धेरै धेरै शुभकामना। तो मैं सुबह की पूजा के लिए एकदम तैयार हो चुकी हूँ। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 8:30 बजे तक है, तो अभी 7:15 के करीब हो रहा है। मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, चौकी भी बिठानी है। तो बने रहेगा इस व्लॉग में ये देखने के लिए कि कैसे होती है हमारी हरतालिका व्रत की पूजा। चलिए। तो देखिए, सुबह की पूजा मेरी पूरी हो चुकी है और मैंने यहाँ पे काली मिट्टी और बालू से शिवलिंग बनाया था। और ये मैंने हल्दी से माता पार्वती बनाई, ये सुपारी से मैंने गणेश भगवान बनाया, इनकी पूजा अर्चना की। इसका बहुत बड़ा महत्व है शिवलिंग का, तो शिवलिंग की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। सामने मैंने भगवान शिव, माता पार्वती, उनके पूरे परिवार की पूजा की। भगवान को उनका जो सबसे प्रिय फल फूल है वो चढ़ाया, जैसे कि भांग, धतूरा, बेल, ये सब। माता पार्वती को मैंने सुहाग का सामान चढ़ाया, उसके बाद उनको मैंने फल फूल और मिठाई का भोग चढ़ाया। सुबह की पूजा में फल फूल और मिठाई ही चढ़ाते हैं। और मैंने ये दिया जला दिया है। ये दिया हरतालिका व्रत में जो है ये पूरी रात जलना चाहिए, पूरा दिन और पूरी रात। तो अगर गलती से ये बुझ जाए तो बुरा माना जाता है। तो हरतालिका तीज में आप सो नहीं सकते हो। अगर गलती से नींद आ जाए तो ये दिया जो है ये आपके व्रत को भंग नहीं होने देगा, तो इसलिए ये दिया जलना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये सुबह की पूजा तो हो चुकी है पूरी। अच्छा, जिन लोगों को हरतालिका तीज व्रत के बारे में नहीं पता है, ये करवा चौथ व्रत की तरह ही होता है और इसे नेपाली लेडीज और बिहारी लेडीज रखती हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो निर्जला व्रत होता है ये, मतलब पूरे दिन आप पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं और शाम की पूजा के बाद भी आप नमक नहीं खा सकते हैं। आप केवल फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और काफी लेडीज तो ये भी नहीं खाती हैं। पूरी रात भी वो व्रत रखती हैं और अगले दिन पूजा करने के बाद ही आपका व्रत टूटता है। तो काफी कठिन व्रत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव इस दिन आपको एक अलग शक्ति दे देते हैं। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि पूरे दिन आप भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया है, नमक नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, तो सब ऊपर वाले की कृपा है। तो मेरी ओर से आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका व्रत अच्छे से गुजरे और भगवान शिव आप सभी को अपना आशीर्वाद दें। और मेरी मेहंदी देखिए कितनी गाढ़ी रची है, बहुत अच्छे से रची है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ शाम का प्रसाद बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ मखाने की खीर, सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो चलिए बनाते हैं फटाफट।
तो मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं ले लूंगी एक बड़ा चम्मच देसी घी। इसको गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी मखाने। फ्राई कर लेंगे करीब एक से दो मिनट तक। आपने एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन्हें फ्राई करना है। इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्प हो जाएंगे। तो इन्हें फ्राई करते हुए मुझे करीब दो मिनट हो चुके हैं। गैस को ऑफ कर दूंगी और इन्हें अच्छे से ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद ही ये क्रिस्प होंगे और फिर हम इन्हें दरदरा कूट लेंगे। पीसेंगे नहीं, पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है। छोटे छोटे पीसेस हो जाने चाहिए इसके। तो देखिए मखानों को ठंडा करके मैंने इस जिप लॉक बैग में भर लिया है और हम लेंगे बेलन और इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। मैं ग्राइंडिंग मशीन में इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि बिल्कुल एकदम इसका बारीक पाउडर बन जाएगा अगर हम इसे ग्राइंडिंग मशीन में करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पाउडर नहीं बनेगा और छोटे छोटे पीस इसके हो जाएंगे बड़े आराम से। ये देखिए, तो देखिए कितनी आराम से ये हो गया। ये देखिए, अभी देखिए दूध भी काफी गाढ़ा हो चुका है और अब हम इस कूटे हुए मखाने को इसमें डाल देंगे। और एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक इसको पका लेंगे हम। एक कटोरी मखाने के लिए मैंने करीब 750 मिलीलीटर दूध लिया है और उसको मैंने काढ़ के गाढ़ा कर लिया है। करीब आधा लीटर बना दिया है मैंने उसे। थोड़ी देर पकाएंगे, करीब 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो मखाने हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहां मैंने मखानों को करीब 1 से 2 मिनट तक पकाया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप शक्कर यानी कि चीनी। आप चाहे तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चीनी डालने के बाद हम इसे करीब 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि इसकी एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी ना तैयार हो जाए, करेक्ट कंसिस्टेंसी ना हमें मिल जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, गाढ़ा होने तक हमने इसे पकाना है। देखिए खीर धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है और मखाने भी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। और यहां मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा सैफरन यानी कि केसर के धागे। बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा आता है इससे। मिक्स कर लेंगे, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें। थोड़ी ही देर में आ जाएगा कलर। चलिए थोड़ी देर और दूध को गाढ़ा होने देते हैं। तो देखिए दूध काफी थिक होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ बादाम, कटा हुआ पिस्ता और थोड़े से किशमिश। आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। अब थोड़ी देर हम इन ड्राई फ्रूट्स को भी दूध में पकने देंगे। जब ड्राई फ्रूट्स दूध में पकते हैं ना तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इनका। तो चलिए अब थोड़ी देर दूध को और गाढ़ा होने देते हैं। तो देखिए खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी होगी। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। साइड साइड में ये जो मलाई जमती है ना, इसको खुरचते जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि खीर गाढ़ी भी होती है और टेस्टी भी बनती है। बस एक मिनट और पकाएंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे और खीर को ठंडा होने देंगे। और देखिए हमारी मखाने की खीर एकदम तैयार है। गैस को कर देते हैं ऑफ और अब इस खीर को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये खीर और गाढ़ी हो जाएगी। तो मखाने की खीर तो मैंने बना ली है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब फटाफट जाके नहा लेती हूँ, साड़ी प्रेस करती हूँ, शाम के पूजा की तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। And guys, this is my Tish look. बताइएगा जरूर कि मैं कैसी लग रही हूं। और आप सभी को मेरी ओर से हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। May Lord Shiva bless you all.
पूजा तो मैंने कर ली है लेकिन मेरा व्रत अभी नहीं टूटा है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सुबह की पूजा के बाद टूटता है, और ये जो अभी मैंने पूजा की है इसके बाद आप फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खा सकते हैं और नमक नहीं खा सकते हैं। अन्न और नमक आप कल की सुबह की पूजा के बाद ही खा सकते हैं। तो काफी कठिन होता है ये व्रत, कुछ कुछ करवा चौथ की तरह ही होता है, और सुहागिन जो लेडीज होती हैं वही इसे रखती हैं। बिहार और नेपाल में मनाया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। तो चलिए, पूजा तो मैंने कर ली है, बताइएगा जरूर कि हमारी ये हरतालिका तीज का व्रत आपको कैसा लगा। और पूजा के बाद पति का आशीर्वाद भी लेना होता है, तो मेरे पति तो यहाँ है नहीं, तो मैं अभी उन्हें वीडियो कॉल करूंगी और उनका आशीर्वाद लूंगी। तो चलिए मैं वीडियो कॉल करती हूँ। हैप्पी तीज मेरे पति देव, हैप्पी तीज, तुम्हारी तुम्हारी बहुत बहुत लंबी उम्र हो, तुम्हें 100 साल की उम्र हो तुम्हारी। और ढोक दिन चू, तुम्हें हर साल तुम्हें हर साल मैं ढोक देती हूँ ना, अभी मैं यहीं से पैर दो मैं तुम्हें ढोक देती हूँ। और अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाने जा रही हूँ। मैं पूजा करने के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, केवल चाय पीती हूँ। अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद ही अब मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये हरतालिका तीज व्रत वाला व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।